अब देखो ये कैश फ्लो का सवाल है और इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है हाँ इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड ही आता है F7 में, राइट? जी हाँ डायरेक्ट मेथड नहीं आता। अच्छा जी, अब इसको हम सवाल को देखते हैं। तो सवाल में हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है सितंबर जी सर 2011 की और 2010 की, सही है? बैलेंस शीट में हमारे जी पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, फाइनेंशियल एसेट हाँ दिए हुए हैं। फाइनेंशियल एसेट वाला IAS अभी हमने पढ़ा नहीं है ना। फाइनेंशियल एसेट नहीं वाला IAS है IFRS 9, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री दी हुई है, रिसीवेबल्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन है, फाइनेंस लीज, या IAS भी हमने नहीं पढ़ा हुआ, IAS 17, IFRS 16, लीजिंग, डेफर टैक्स हमने ओके पढ़ा हुआ है, टैक्स हमने पढ़ा हुआ है, ओवरड्राफ्ट आ गया, प्रोविजन फॉर वारंटी IAS 37 पढ़ा हुआ है, लीज का आई जी लीज दोबारा आ गया, पेबल का ट्रीटमेंट हमें पता है। उसके बाद हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना दिया हुआ है 3009, 39 सही है? 3900 इससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3900, राइट? अब दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सर चलते मैं हैं, आपसे कुछ पूछना था सर बोलो। जी। सर आपने जो ये किया था ना प्रॉब्लम कि एयरक्राफ्ट का, उसमें तो उसमें सिर्फ आधा वाला है सर, मतलब जो IAS 16 का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था ना एयरक्राफ्ट का, जो बात आपने बहुत टफ है, बहुत लोगों ने सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो उसका वीडियो का लेक्चर ऑफ है, उसका फुल लेक्चर नहीं है। वो लेक्चर नहीं आया? नहीं जी आप आया उसमें, आप सुफॉल किया है, पूरा सॉल्व नहीं किया है। अच्छा, देख लेते हैं, मसला नहीं, ओके जी कोई मसला नहीं। सर अच्छा, तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दूसरे आइटम की तरफ देखें तो हमें नजर आ रहा है फाइनेंस कॉस्ट जी और इन्वेस्टमेंट इनकम। सही है, एक चीज जी ऐड हो रही है, एक चीज माइनस हो रही है, तो हम फाइनेंस कॉस्ट को ऐड बैक कर देते हैं। फाइनेंस कॉस्ट है हाँ 500 की, तो इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट एड बैक हो गई 500 की और इन्वेस्टमेंट इनकम लेस हो जाएगी। जी और इन्वेस्टमेंट इनकम जो हमें नजर आ रही है वो नजर आ रही है 1100 की। जी सर तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीजें थी और ये दोनों चीजें हमने यहाँ से उठा ली, सही है? अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। अब देखो पिछले सवालों में ये नहीं दिया हुआ था, नोट बना हुआ है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का अलग से, हाँ पिछले सवाल में ऐसे नहीं दिया हुआ था, ठीक है? तो अब इस जी नोट के सर अंदर इन्फॉर्मेशन है कि हमने हमारे पास बिगिनिंग में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इतना था, उसके 36 बाद हमने एक एसेट लीज पे लिया, उसके बाद जी हमने एक प्लांट परचेज किया, उसके बाद हमने जी एक प्लांट बेच दिया, उसके बाद जी हमने हंड्रेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इनकर्ड किया 2500 का, सही? सो डेप्रिसिएशन 2500, क्या ट्रीटमेंट एंड होता है? डिपोजिशन 2500 जी ऐड ऐड कर देते हैं, ये हो गया मसला डेप्रिसिएशन का। उसके बाद अगर और डिस्पोजल डिस्पोजल हुआ है, अगर डिस्पोजल हुआ है तो उस पर गेन और लॉस आया होगा, तो डिस्पोजल डिस्पोजल की यहाँ वर्किंग दिखा देता हूँ मैं। डिस्पोजल वाला जो एसेट था उसकी कॉस्ट कितनी है? चार हजार उसकी बुक वैल्यू है, ये लिखी हुई 4000 बुक वैल्यू, सही है? हाँ और सेल कितने का किया है, सेम 8.1 तो गेन कितना हुआ? ओके सही है, जी ये सर जो गेन है, ये गेन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऐड हुआ हुआ होगा, जी इसको लेस कर देते हैं। जी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है? जी अच्छा जी, उसके बाद जो 1100 की हमने इन्वेस्टमेंट इनकम लेस की थी उसने उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है,
During the year, an investment had that had a carrying amount of 3 million was sold for 3.4 million. एक इन्वेस्टमेंट हमने बेची है. नो इन्वेस्टमेंट वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर. जो इन्वेस्टमेंट इनकम है 1100 की, उसका ब्रेकअप क्या है? डिविडेंड रिसीव हुआ, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा जी. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 400, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 500. अब ये देखो, ये चेक करो, फाइनेंशियल एसेट की जो वैल्यू है ना वो 7000 की थी, अब फाइनेंशियल एसेट 4500 पे आया हुआ है जी. सही है, तो हमें इसको आगे जाके देखना है. सो ये तो पूरा 1100 हमने लेस कर दिया था ना जी. अच्छा, पॉइंट नंबर 4, द मूवमेंट इन द प्रोडक्ट वारंटी प्रोविजन हैज बीन इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स. वारंटी की इंफॉर्मेशन कहाँ है? वारंटी की इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर वारंटी ये दिया हुआ है. पहले कितना था? पहले प्रोविजन फॉर वारंटी था 4000, राइट? नजर आ रहा है? हेलो जी. 4000 अब कितना हो गया? 1600. सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डिक्रीज इन प्रोविजन हुआ है, और डिक्रीज इन प्रोविजन हुआ है 2400 से. सो डिक्रीज इन प्रोविजन इनकम होता है. सो डिक्रीज इन प्रोविजन जो हमारे पास आया है, डिक्रीज इन प्रोविजन जो हमारे पास आया है वो है 2400 का. ये इनकम के तौर पे ऐड हुआ हुआ है, तो हमने इसको क्या कर दिया? इसको हमने लेस कर दिया. ओके सर, डिक्रीज इन प्रोविजन कैसे किया आपने? बैलेंस शीट के अंदर मैंने ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग प्रोविजन को कंपेयर किया. ओके ओके सही है. तो ओपनिंग प्रोविजन माइनस किया, हाँ डिफरेंस निकाला. ओके तो डिफरेंस निकालने से वो पता लग गया. ओके अच्छा जी. अच्छा अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि हमने यहाँ पर 2-3 स्पेस छोड़ा. अब उसके बाद हम इन्वेंट्री रिसीवेबल और पेबल पे आ जाते हैं. ओके तो इन्वेंट्री में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 7200 और क्लोजिंग बैलेंस है 10200. सो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है 3000 से. जी. क्या रूल है? इन्वेंट्री माइनस करेंगे. माइनस करेंगे, दोबारा नीचे लिखता हूँ, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होता है तो डिक्रीज इन रिसीवेबल प्लस हो जाएगा. फिर हम आ गए पेबल के ऊपर ना. ट्रेड पेबल 3200 and 4600. Decrease in trade payable 1200. Decrease in trade payable 200. 1200 का मतलब है माइनस. सही है. अब ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. फिर इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट पेड माइनस करेंगे और टैक्स पेड माइनस करेंगे. और इंटरेस्ट पेड के लिए हम चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेबल तो नहीं है. बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी टैक्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रोविजन है, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन है, ट्रेड पेबल है, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है. तो जो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है 500 का, वही इंटरेस्ट नीचे माइनस कर दूं जी. और टैक्स की वर्किंग करनी पड़ेगी जी सर. सो टैक्स के लिए मैं टी अकाउंट बनाता हूं.
और टैक्स का टी अकाउंट बनाने के लिए बैलेंस शीट में चलते हैं। तो बैलेंस शीट में डेफर टैक्स का बैलेंस नजर आ रहा तुम्हें? जी डेफर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस, डेफर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस 900 एंड 1300। सो ओपनिंग बैलेंस डेफर टैक्स का 900, क्लोजिंग बैलेंस डेफर टैक्स का 1300, ठीक है जी। उसके बाद टैक्स, करंट टैक्स का बैलेंस, करंट लायबिलिटी में जाके चेक करेंगे तो करंट इनकम टैक्स का बैलेंस नजर आ रहा है 1000 एंड 1200 जी। 1000 एंड 1200, तो 1200 ओपनिंग बैलेंस एंड 1000 क्लोजिंग बैलेंस। टैक्स दोनों को मैं कंबाइन करके बनाता हूँ, सही है, एक साथ। अच्छा जी, उसके बाद टैक्स एक्सपेंस होता है 1000 का जी। टैक्स एक्सपेंस आ गया 1000 का, सही है जी। अच्छा जी, चलो बैलेंस निकालो। तो 100 कितना आया? 3100। 3100 का टैक्स हमने पे किया? नहीं सर, इसका ये टोटल बैलेंस आया 3100 यहाँ आया। हाँ जी सर। तो यहाँ कितना आएगा? आठ सौ 800 आएगा ना, तो 2300 सही है, 800 ही लग रहा है मुझे। तो ये 800 ऊपर जाकर हमने, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 800 आ गया, सही है जी सर। अच्छा ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास जो भी आंसर आना था आ गया। अब हम इसको लेके चलते हैं, आपका अल्लाह भला करे, डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्पोजल हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, इंटरेस्ट आ गया, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन पेबल, प्रोविजन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, टैक्स आ गया। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ, सही है। सो ये हमारा आ गया कि टी अकाउंट नहीं करेंगे, क्या चीज, प्रॉपर्टी प्लान एक्विपमेंट की टी अकाउंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जरूरत नहीं पड़ेगी, सब दिया हुआ है सवाल में। मैंने टी अकाउंट लास्ट क्लास में बनाया था वैसे, प्रॉपर्टी प्लान जी आपने बताया था, इस सवाल में जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखो कहाँ है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नजर आ रहा है कहीं तुम्हें? कितना है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? 8300। वैसे ये कैलकुलेट करना होता है, इस एग्जांपल में दिया हुआ है जी 8300। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी दिया हुआ था जी। ये कहाँ था? ये था पॉइंट नंबर ये वाला, 8.1। तो 8100 ये प्लस कर दिया। उसके बाद था डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट जी, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई थी, इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ हुई है 3.4 मिलियन की, ये रही। तो ये ऐड कर दूं 3.4 मिलियन जी, सही है। ये तीन आइटम तो एज इट इज डायरेक्टली दिए हुए थे, ठीक है। डिविडेंड पेड, अच्छा जी। उसके बाद डिविडेंड रिसीव हुआ था 200 का जी, सो डिविडेंड रिसीव इनकम होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, डिविडेंड रिसीव 200 का, ये आंसर आ जाएगा जी। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में जाने के लिए हमें शेयर्स चाहिए, तो
इक्विटी साइड पे गए हम, इक्विटी साइड पे चेक करो, इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं 14,000 और पिछले साल था 8,000 जी, और 2,000 का प्रीमियम था, अब वो जीरो हो चुका है जी। अच्छा, प्रीमियम जीरो होता है ना तो बोनस की इन्वॉल्वमेंट आती, राइट? नीचे चेक करते हैं, बोनस शेयर्स तो नहीं है। ऑन 1st अप्रैल 2011 देयर वाज अ बोनस इशू ऑफ सम शेयर्स दैट वाज फाउंडेड फ्रॉम द शेयर प्रीमियम एंड सम ऑफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व। दिस वाज फॉलोड ऑन 30th अप्रैल बाय एन इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कुछ शेयर्स हैं वो बोनस शेयर्स हमने प्रीमियम में से पे किए हैं और कुछ बोनस जो है हमने रिवैल्यूएशन में से पे किए। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि बोनस यहाँ पर जो हमारा खत्म हो रहा है ना, रिवैल्यूएशन भी है बोनस भी है। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में नोट में जाके चेक करते हैं कोई रिवैल्यूएशन तो नहीं है। okay. तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के नोट में हमें कोई रिवैल्यूएशन नजर आ रहा है यहाँ पर, नोट नंबर वन में? कोई रिवैल्यूएशन नजर आ रहा है तुम्हें? अच्छा, ये नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है स्क्रीन में, तो स्क्रॉल डाउन करो। तुम्हारे पास स्क्रीन जो आ रही है इस वक्त क्या आ रही है? मेरे पास प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की आ रही थी। नोट आ रहा है ना? नहीं, नोट नहीं है, नोट नहीं है, सेकंड नोट आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। हां, इसी के अंदर तो बोल रहा हूं, इसके अंदर तुम्हें रिवैल्यूएशन नजर आ रहा है? रिवैल्यूएशन नहीं नजर आ रहा सर। नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर रिवैल्यूएशन दिया हुआ है वो चेक करो। हाँ। कितना है रिवैल्यूएशन रिजर्व? रिवैल्यूएशन रिजर्व 13,000 और 10,100। नहीं नहीं, 3600 था और अब 2,000 हो गया। जी जी, सही है। और शेयर प्रीमियम 2,000 था और जीरो हो गया। जीरो हो गया सर, सही है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, ये थोड़ी सी गड़बड़ है ना, शेयर्स की कैलकुलेशन मुश्किल है। तो हम एक काम करते हैं कि हम ये करते हैं कि ये चेक करते हैं कि कैपिटल में कितना इंक्रीज आया है और प्रीमियम और रिवैल्यूएशन में कितना डिक्रीज आया है। जी, तो इसको अगर हम डाल दें यहाँ पर, वर्किंग कर लेते हैं, शेयर कैपिटल का इंक्रीज सवाल में दिया हुआ है, शेयर कैपिटल का इंक्रीज अगर मैं जाके चेक करूँ तो कैपिटल का इंक्रीज आ रहा है 6,000 का, सही है? जी सही है। अच्छा जी सर, और शेयर प्रीमियम का जो डिक्रीज आ रहा है वो आ रहा है 2,000 का जी, और रिवैल्यूएशन में जो डिक्रीज आ रहा है वो आ रहा है 1,600 का। अब पता होता क्या है? होता यह है कि जब बोनस शेयर्स इशू होते हैं ना तो कैपिटल इंक्रीज होता है और प्रीमियम डिक्रीज होता है, ये एंट्री पास होती है, प्रीमियम डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, सही है? तो ये सेम अमाउंट से होना चाहिए 3,600 से। ओके, अब प्रीमियम और रिजर्व तो 3,600 से डेबिट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है? 6,000 से। तो कैपिटल भी 3,600 से क्रेडिट होना चाहिए था, तो ये जो एक्सिस कैपिटल क्रेडिट आ रहा है ना 6,000 माइनस 3,600, ये कैश में नए शेयर इशू हुए। Okay. इसको हम डाल देते हैं इश्यूएंस ऑफ शेयर्स में। सर, हम लोग को शेयर प्रीमियम जीरो होता है सर। हाँ, जीरो हो गया तो था ना? आपने डिक्रीज इन 2,000 केस कैसे किया? डिक्रीज तो किया 2,000 से, 2,000 ओपनिंग बैलेंस था, वो जीरो हो गया तो डिक्रीज हो गया ना 2,000 से। हाँ, डिक्रीज हो गया सर। डिक्रीज होने का मतलब है कि जो नए शेयर्स इशू हुए हैं उसमें प्रीमियम नहीं आया, तो जो नए शेयर्स इशू हुए उसमें सिर्फ कैपिटल आया।
ये बात समझ में आती है? जी सर, आती है। अच्छा, इसके अंदर अब एक अकाउंट और बनेगा, लीज, लीज का अकाउंट बनेगा, लीज ऑब्लिगेशन। अच्छा, लीज ऑब्लिगेशन का टॉपिक हमने पढ़ा हुआ नहीं है, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो मैं सिर्फ अकाउंट बना देता हूँ और तुम वो अकाउंट को समझ लो। फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब है ये लाइबिलिटी है। तो इसका एक ब्रॉड डाउन, एक ब्रॉड डाउन, एक कैरेट डाउन, एक कैरेट डाउन, ये तो दो दो बैलेंस शीट में दिए हुए। और इस साल हमने न्यू एसेट लीज के ऊपर लिया है, उसका अफेक्ट क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा फाइनेंस लीज का कैश पेड। अब ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस में उठा लेता हूँ बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में चेक करें, बैलेंस शीट में तुम्हें नॉन करंट लायबिलिटी में लीज ऑब्लिगेशन नजर आ रही है, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। जी, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2100। कहाँ है 2100? फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी में। हाँ, वो नॉन करंट लायबिलिटी में सर 6900 और 7000। उधर ओके, सही है। तो पहले मैंने वो ले लिया 6900 एंड 7000। सर हम कोई भी ले सकते हैं सर? नहीं नहीं, अब करंट लायबिलिटी का भी लेंगे, दोनों डालेंगे इसमें। अब करंट लायबिलिटी में कितना? मैं नॉन करंट ले लिया पहले। करंट लायबिलिटी में कितना है फाइनेंस इज ऑब्लिगेशन? 2100 और 4800। जी, वो भी डाल दिया इसके अंदर, सही है जी सर। अब फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन जो है वो पॉइंट नंबर वन में देखो, परचेज ऑफ न्यू लीज फाइनेंस लीज एडिशन लिखा हुआ है। जी सर, इसका मतलब ये हुआ कि इस साल हमने एक नया एसेट लीज पे लिया है। ओके, 6700, सही है? जी सर। इस 6700 की ये एंट्री पास हुई होगी, एसेट अकाउंट डेबिट 6700 और लीज ऑब्लिगेशन अकाउंट क्रेडिट 6700। ये एंट्री पास होती है जब भी नया एसेट लीज पे लेते हैं। ओके, अब इसकी वजह से लीज ऑब्लिगेशन 6700 से क्रेडिट हो जाएगी। जी, अब इस अकाउंट को मैं बैलेंस करता हूँ। तो जब मैं इस अकाउंट को बैलेंस करने जा रहा हूँ तो मेरे पास जो फाइनल कैश पेड का आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद, वो आएगा 3900। ये इस साल हमने लीज ऑब्लिगेशन की पेमेंट कर दी। जी सर, उठा के फाइनेंस लीज में डाल देंगे। कितना था? 3900, सही। अब इन सब का टोटल करते हैं, इन सब का टोटल करते हैं। तो टोटल स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड, मुझे अपना कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा मोबाइल, तो मोबाइल का कैलकुलेटर, वन मिनट। मोबाइल के कैलकुलेटर में 3900 प्लस 500 माइनस 1100 प्लस 2500 माइनस 4100 और माइनस 4100 1700 आ गया। 1700 माइनस